देखो भाई, लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा था, और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स। अल्काइल हैलाइड के चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं आपके, ठीक है। पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, और कौन कौन से सब्सटेंसेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिल्कुल हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सब्सटेंस रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह पर कोई दूसरा सब्सटेंस आकर लग जाए। जैसे कि एक रिएक्टेंट है आपके पास ए बी, इसके साथ एक सब्सटेंस का हमने रिएक्शन करवाया सी का, और बी हट गया और उसकी जगह पर क्या आके लग गया? सी लग गया। तो हमने ये कहा यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर हमने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि एक चीज हटी है और उसकी जगह कोई दूसरी चीज आकर लग गई। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर ए पर चार्ज है पॉजिटिव और बी पर चार्ज है नेगेटिव, और ये जो सी है इस पर भी क्या चार्ज है? नेगेटिव। क्या चार्ज है? नेगेटिव। तो सी ने क्या किया? सी ने आकर के पॉजिटिव सेंटर पर अटैक किया, दैट इज ए, और अपना बॉन्ड बना लिया, और यहां से जो बी नेगेटिव था उसको निकाल कर क्या कर दिया? अलहदा कर दिया। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक न्यूक्लियोफाइल किसी भी सब्सटेंस में से उसके ऑलरेडी मौजूदा नेगेटिव पार्ट को क्या करा दे? रिप्लेस करा दे, हटा दे और खुद उसकी जगह पर लग जाए। मतलब एक सब्सटेंस है, इसमें क्या है आपके पास? एक नेगेटिव सब्सटेंस मौजूद है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मौजूद है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं। इसने क्या किया? पॉजिटिव सेंटर के साथ अपना बॉन्ड बना लिया, और जो उसका ऑलरेडी पुराना बॉन्ड बना हुआ था दूसरे नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस के साथ उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। मतलब सिंपल सी बात यह हो गई कि एक नेगेटिव चार्ज हटा है और उसकी जगह कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आकर क्या हो जाए? लग गया, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर दिया किसने? किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज ने। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हमारे पास कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, इसीलिए उस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो आपकी बुक में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में लिखा हुआ, और 90% या 95% सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का बच्चा ये समझता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ अल्काइल हैलाइड देंगे, जबकि ऐसा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं पर भी किसी भी एक सब्सटेंस में से नेगेटिव चार्ज हटे और उसको हटाने के लिए कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आकर क्या कर रहा हो? उसको हटाने की कोशिश कर रहा हो या उसको हटा रहा हो। मतलब एक नेगेटिव चार्ज इंसर्ट हो रहा है और उसी दौरान उस कंपाउंड से कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज निकल कर चला जा रहा है और उसकी जगह पर वो जाकर लग गया, तो हम कहेंगे कौन सा रिएक्शन हुआ है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। आपके इस चैप्टर के अंदर अल्काइल हैलाइड के अंदर हैलोजन होता है नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस, उसको हटाकर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस आकर लग रहा है। तो इसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्काइल हैलाइड तो देते ही है, साथ में हर वो सब्सटेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है जिसमें नेगेटिव पार्ट मौजूद हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्काइल हैलाइड की, तो गौर से देखिएगा बेटा कंडीशन। अल्काइल हैलाइड में अल्काइल पर हम कंसीडर करते हैं चार्ज पार्शियल पॉजिटिव और हैलोजन पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव। अब कोई दूसरा नेगेटिव सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, वो क्या करे? आकर के अपना बॉन्ड बना ले अल्काइल के साथ और हैलोजन वहां से निकलकर चला जाए। तो एक नेगेटिव सब्सटेंस लगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? उसकी जगह से हटकर चला गया। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कोहल ROH, OH पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव, अल्काइल पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। कोई न्यूक्लियोफाइल आए और OH नेगेटिव को हटाकर खुद अल्काइल से अपना बॉन्ड बना ले, तो OH निकलकर चला गया यहां से, एक नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस हटा उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, ये भी कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। समझ आई बात?
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एक नेगेटिव पार्ट सब्सट्रेट से मतलब रिएक्टेंट से हटेगा और उसको हटाने वाला कौन होगा, कोई दूसरा नेगेटिव सब्सटेंस होगा और उसकी जगह पर लग जाएगा। तो कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने देखो डेफिनेशन बड़ी सकून वाली लिखी है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल हटा दे रिप्लेस कर दे किसी भी एक नेगेटिव एंड को, और वो नेगेटिव एंड कहां लगा हुआ हो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव पर। RX क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। ROH क्या है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। अल्कोहल की डेफिनेशन क्या थी, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या थी, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। कोई प्योर हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं होता। हाइड्रोकार्बन का जो डेरिवेटिव होता है उसमें होता है पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव में नेगेटिव पार्ट हटे और उसकी जगह कोई नेगेटिव पार्ट लग जाए, मतलब न्यूक्लियोफाइल लग जाए, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसका मैकेनिज्म पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म। आपकी बुक में जो मैकेनिज्म समझाया गया है वो समझाया गया है अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म समझाया गया है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सही है, आपके बुक में किसी दूसरे सब्सटेंस का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्सप्लेन उसका मैकेनिज्म नहीं किया गया। आपके बुक में कौन से कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है, अल्काइल हैलाइड का। तो हमने कौन से सब्सटेंस का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, अब उसको समझने से पहले आपको चंद चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, सबसे पहली चीज आपके पास तीन तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दूसरा जिसको हम कहते हैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तीसरा जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हमारे पास दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि यूनि क्यों बोलते हैं, बाय क्यों बोलते हैं, बस दो टाइप्स हैं अभी से ये बता रहा हूं। सही है, कितनी टाइप्स है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो हम पढ़ रहे हैं, दो। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ आपके पास SN2 रिएक्शन करते हैं, मतलब बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सिर्फ और सिर्फ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता हुआ आपको नजर आएगा वो है SN1, मतलब यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन करेगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन भी करेगा और SN1 भी करेगा, डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया है रिएक्शन को करवाने के लिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे SN2 रिएक्शन को करेगा जब सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, नॉन पोलर, कौन सा होना चाहिए, नॉन पोलर। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन करेगा लेकिन लाजमी तौर पर वहां पर सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए, पोलर, कौन सा होना चाहिए, पोलर। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर SN2 रिएक्शन कराना चाहिए तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को आप क्या करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दें। जैसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड खुद ब खुद कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा, बाय मॉलिक्यूलर वाला। और अगर आपने पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को तो लाजमी तौर पर वो कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1 वाला। तो ये MCQ आता है कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, दे विल प्रोसीड SN2 एंड SN1 बोथ। फिर MCQ आता है कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2 कब करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब आपको सब्सट्रेट की बेसिस पर भी पहचानना आना चाहिए, कैसे, मैंने आपको पहली एग्जांपल दी CH3X, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी CH3CH2X, अगली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं CH3CH3HX और लास्ट में एग्जांपल आपको दे रहा हूं CH3CH3
CH3X। ये चार एग्जांपल देखो, आपने पहले ये पहचानना है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो यहाँ पर यूनिमोलिकुलर करेगा, कौन बायमोलिकुलर करेगा, कौन बोथ कर सकता है। पहले ये पहचानना जरूरी है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा, 2 डिग्री कौन सा और 3 डिग्री कौन सा। जब भी कार्बन तीनों हाइड्रोजन के साथ अटैच हो और एक हैलोजन के साथ, तो इस कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री। और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमेशा कौन सा रिएक्शन करता है, SN2 रिएक्शन। अब देखो इस कार्बन को, वो कार्बन जो हैलोजन से अटैच है, दो हाइड्रोजन और एक कार्बन से अटैच है, इस कार्बन की भी डिग्री क्या होगा, 1 डिग्री। तो ये जो सब्सट्रेट है ये कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, SN2। अब वो कार्बन जो अल्काइल हैलाइड से अटैच्ड है, वो दो कार्बन और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, मतलब इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन दे सकता है, डिपेंड करता है सॉल्वेंट आपने पोलर लिया है या फिर नॉन पोलर। अब इस कार्बन को देखें, ये हैलोजन के साथ अटैच्ड है और 1, 2, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 3 डिग्री। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिएक्शन कर सकता है, SN1। अब मैंने आपको ये कहा कि ये वाला अल्काइल हैलाइड मैंने पोलर सॉल्वेंट में रखा है, किसमें रखा है, पोलर सॉल्वेंट। अब बताएं ये कौन सा रिएक्शन करेगा, SN2 या SN1, SN2 या SN1, SN1। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट रख दूंगा तो फिर कौन सा रिएक्शन करेगा, SN2 करेगा, क्या करेगा, SN2 या SN1, SN2 करेगा। नॉन पोलर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN2, नॉन और पोलर पोलर सॉल्वेंट 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो फिर SN1। समझ आ गई बात। तो ये है इसकी कुछ बेसिक्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, पॉज नहीं करना, बंद करना।